हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का इम्पोर्टेंट रिएक्शन फोटो फ्राइज और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो आपने देखा है कि जब हम फिनाइल को एस्टर लेते हैं, है ना, इससे पहले आपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में फोटो ऐड नहीं होता है ना, सिर्फ फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। तो उसमें आपने देखा है कि हम इन प्रेजेंस ऑफ लिविस बेस, जब हम फिनाइल एस्टर को ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे AlCl3 ऐसे लिविस बेस और ऐसे कैटलिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है, देखा जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यानी एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप जो है या तो आर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं या पैरा पोजीशन, यही चीज आपने देखा है। ओ एच ओ तो आर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी आपको एराइल कीटून यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बाय द माइग्रेशन ऑफ एसाइल ग्रुप आर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ये रीअरेंज हो जाता है। एक्चुअली ये पूरे यहाँ से रीअटैच हो जाते हैं और ये दो प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, जो इसको हमने कहा था फ्राइस रीअरेंजमेंट। और टेम्परेचर का भी देखा था, हाई टेम्परेचर आर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्मड इन हाई कंसेंट्रेशन एट लो टेम्परेचर, पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्मड इन हाई कंसेंट्रेशन। तो आर्थो एंड पैरा रेशियो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑन विच द रिएक्शन इज कंडक्टिंग। ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो कंडक्ट कर रहे हैं उस पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो देखा गया आर्थो की यील्ड ज़्यादा होता है, पैरा पे पैरा का यील्ड जो है लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम कैरी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको हम नाम दे देते हैं फोटो फ्राइस रिएक्शन। फोटो मीन्स लाइट, है ना। तो इफ द रिएक्शन इज कैरीड ऑन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड इन फोटो फ्राइस रिएरेंजमेंट। और प्रोडक्ट क्या बनता है? फिर से रिएरेंजमेंट रिएक्शन है, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी एसाइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके आर्थो पे आते हैं या पेरा पे चला जाते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्या बनते हैं? एक फिनोल यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो आर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कीटून, है ना, एराइल कीटून और पेरा हाइड्रोक्सी एराइल कीटून के साथ यहाँ पे फिनोल भी बनता है। इस टाइप के रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटो फ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट है एक्चुअली इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। इसको हम एक एग्जांपल लेके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एरोमेटिक क्या है? फिनाइल एस्टर है। फॉर एग्जांपल आपके पास इन जनरल आर लेंगे, या आपका फिनाइल एस्टर है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर इस हम कैरी करते हैं इन, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्वेंट रखेंगे। ठीक, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ से लाइट को हम पास करेंगे तो ये मॉलिक्यूल है वो कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो पता है एक्साइटेड, है ना, तो बाई स्टार ट्रांजिशन हो जाता है। और देखा ना, एन टू बाई स्टार पाई टू बाई स्टार ट्रांजिशन। इसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड चला गया, तो यहाँ पे एक्चुअली होमोलिसिस हो जाता है, क्योंकि हम इस रिएक्शन को, वी आर कंडक्टिंग द रिएक्शन इन सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये होमोलिसिस हो जाता है इसकी, इस एरोमेटिक एस्टर की, ये होमोलिसिस हो जाते हैं इनटू, है ना, फिनॉक्सी और
रेडिकल में, ये फिनॉक्सी रेडिकल और एसाइल रेडिकल में इसकी होमोलिसिस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये सॉल्वेंट के अंदर रहते हैं। ये किसके अंदर रहते हैं? सॉल्वेंट ये इसके अंदर रहते हैं, ये आपका इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ इससे बन जाता है। सॉल्वेंट इसको मतलब चारों तरफ से, जैसे ही सॉल्वेंट है, ये जो आपका फिनॉक्सी और आपका एसाइल वाला ग्रुप इस सॉल्वेंट केज के अंदर कुछ देर के लिए रह जाते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। और जो ही यहाँ से अगर फिनोल बाहर आ जाते हैं बाय चांस, इस पर फिनॉक्सी रेडिकल अगर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी रेडिकल अगर बाहर आया तो यहाँ क्या बनेगा? फिनॉक्सी रेडिकल अगर बाहर आता है तो ये कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? हाइड्रोजन एबस्ट्रैक्शन भी कर सकता है, सबसे आसान तरीका है। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन एबस्ट्रैक्शन हो जाता है, सॉल्वेंट से ये हाइड्रोजन को एबस्ट्रैक्ट करेगा, और सॉल्वेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन डोनर हो सकते हैं, है ना। आप कोई भी अगर आप कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन मिलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन है, ओ एच यहाँ आ जाएगा, और आपको सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं? फिनोला। तो फिनोल को हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं हाउ फिनोल इज फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो ही अगर इस सॉल्वेंट केज से एस्केप हो पाएगा, कौन? सॉल्वेंट केज से अगर ये आपका फिनॉक्सी ग्रुप अगर एस्केप हुआ तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे और वहाँ पे फिनोल बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दोनों आपस में क्लोज है ना, ये दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में बहुत क्लोज है, तो क्या हो सकते हैं? देखिए आपका जो फिनॉक्सी ग्रुप है ना, फिनॉक्सी ग्रुप रेडिकल जो है ये क्या हो सकता है आपका, ये फिनॉक्सी है ना, देख यहाँ से यहाँ आएगा, क्यों? ये इट कैन इजीली अंडरगो रेजोनेंस, आपको पता है रेजोनेंस तो आपने बहुत बार पढ़ा है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल जो है यहाँ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, ठीक, या यहाँ जा सकता है रेजोनेट होके। तो एक्चुअली ये आराम से क्या दिखा सकते हैं? रेजोनेंस फॉर्म्स दिखा सकते हैं यहाँ पे रेडिकल, ठीक। आप देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, आप सॉल्वेंट केस में तो दोनों पास पास में है, इसके पास भी आपका एसाइल रेडिकल है ना, एसाइल रेडिकल दोनों सॉल्वेंट केस के अंदर है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज में है, तो ये इस रेडिकल पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दो रेडिकल दोनों हाईली रिएक्टिव, तो आराम से बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन सकता है? सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप आएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये अपनी जगह, इनको आप देखना नहीं फिलहाल, है ना, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये रेडिकल की यहाँ आ गया इस रेडिकल। तो यहाँ पे जो है एसाइल ग्रुप कहाँ पे आ गया? आर्थो पोजिशन। लेकिन क्या स्टेबल प्रोडक्ट है? नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट इज क्या एरोमेटिस्ट्री, इसकी एरोमेटिस्ट्री लॉस हुई। देखिए यहाँ एरोमेटिस्ट्री ब्रेक ब्रेक हुआ है, तो क्या कर सकते हैं एरोमेटिस्ट्री को गेन करने के लिए? आपने देखा है यहाँ पे इजीली इनोलाइजेशन हो जाता है, इसकी इनोल में कन्वर्ट हो जाए, कीटो ग्रुप है ना, तो इनोल वाला हमने देखा था यूजुअली कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेयर टू इनोल, लेकिन हमने कुछ ऐसे रिएक्शन देखे थे जिसमें इनोल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कीटो, ये इसका एक एग्जाम्पल। वाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनोल फॉर्म द प्रोडक्ट बिकम स्टेबलाइज्ड, इसलिए वो इनोल फॉर्म इजिली चला जाता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ इनोलाइजेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो क्या बनेगा वे प्रोडक्ट? हाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए पूरा इसकी एरोमेस्ट्री अब फिर से गेन हो गया है ना, ये टोटली ये क्या हो गया, कंजुगेटेड फॉर्म में आ गया, ओएच आ गया, फुली रेजोनेंस ये कंप्लीट हो गया इसका, तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी एराइल के एराइल कीटोन बन गया, आर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन बन गया, एक प्रोडक्ट जो हमें
तीन प्रोडक्ट में से दो प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हाउ फिनोल इज फॉर्मड। अगर वो अपने फिनोल ये सॉल्वेंट के से एस्केप होके बाहर आता है तो वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, फिनोल बन जाता है, लेकिन अंदर रहा तो दोनों के बीच में इंट्रा मॉलिकुलर अरेंजमेंट होने के चांस है। लेकिन रेडिकल तो ये भी बना है ना, यहाँ पे पहुँचा है तो इसके पास एस आई रेडिकल तो है ऑलरेडी, है ना, एस आई रेडिकल तो पास में खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि दोनों क्लोज एक दूसरे बहुत क्लोज में है ना, तो यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, डबल बॉन्ड वो तो है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है साथ में, और यहाँ से क्या आ गया, एसाइल ग्रुप आ गया, एसाइल ग्रुप आ गया और पैरा पे आ गया। लेकिन वेदर दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल और नॉट, स्टिल इट इज नॉट स्टेबल। वाई? बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट इज एरोमेटिक करेक्टर। अब एरोमेटिक करेक्टर को गेन करने के लिए फिर से इनोलाइजेशन हो सकता है, मीन्स यहाँ से प्रोटॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये ओ पे नेगेटिव, यहाँ से एच पॉजिटिव लॉस हुआ, तो यहाँ से फिर से ओ पे एच आएगा, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड बना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये इस डबल बॉन्ड को तो हमने कुछ किया नहीं, सीधा इस तरह से आपका पैरा जो हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन यहाँ पे बन जाए। तो ये तीनों प्रोडक्ट को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट केज, क्योंकि सॉल्वेंट केज इसको मौका देते हैं एक दूसरे के क्लोज में रहने का, तभी यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे, गैस के प्रेजेंस में करेंगे, तो इन दोनों को क्लोज में आने के चांस नहीं होगा, ये अलग से एस्केप हो जाए। गैस में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, ये सी डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाए, सिर्फ आपको फिनॉक्सी रेडिकल कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे, आपको पता है फिनॉक्सी फ्री रेडिकल थोड़ा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, तो ये कुछ देर के लिए वहाँ पे स्टेबलाइज होगा और ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली समझ सकते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म ये देखिए, फिनोल हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर सॉल्वेंट केज में आ गया, हम ये इसको कह सकते हैं कि इन दिस रिअरेंजमेंट सबस्ट्रेट अंडरगो डिसोसिएशन इनटू फिनॉक्सी एंड एसाइल रेडिकल विच कंबाइन विद इन द सॉल्वेंट केज, इंपॉर्टेंट इसमें विद इन द सॉल्वेंट केज टू गिव इंटरमीडिएट विच ऑन एरोमेटाइजेशन इनोलाइजेशन, यानी एरोमेटाइजेशन कैसे होता है, इनोलाइजेशन की वजह से वो प्रोडक्ट बन जाता है, यानी सॉल्वेंट केज से जो इंटरमीडिएट बन जाता है अलग अलग, उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाते। अगर ये सॉल्वेंट केज से आपका फिनॉक्सी रेडिकल बाहर आते हैं, तो इस टाइप का क्यूनेट स्ट्रक्चर या डायरेक्टली वहाँ से एच को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बन सकता है, ये वाला, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया था कि ये ऐसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिनॉक्सी रेडिकल है ना, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ आएगा ये क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये बॉन्ड तो अपनी जगह है, रेडिकल यहाँ आया ना, ये रेडिकल, तो रेडिकल इस सिस्टम में भी, यहाँ पे इस सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वाला इनोलाइजेशन, ये वाला इनोलाइजेशन फिर से आपका फिनोल, यह क्या होता था, तो दिस फिनोल इज फॉर्मड बाय फिनॉक्सी रेडिकल विच एस्केप फ्रॉम द सॉल्वेंट। अगर एस्केप नहीं हुआ तो यहाँ से ये आ सकता है, इसके बाद एरोमेटाइजेशन होकर ये वाला प्रोडक्ट बनते हैं, या ये ऑर्थो पोजिशन पे जा सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट, इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये सॉल्व करके दे देना, सिंपली अपने कॉपी पे करके एक फोटो भेज देना है, ज़्यादा असाइनमेंट के फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला है ओ
डबल यानी फिनाइल एसिटेट है, एसिटेट है। अगर इसका रिएक्शन करेंगे और लाइट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर हम इसको करेंगे तो क्या प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म, तो मुझे जल्दी से भेज दें, ठीक है। इसके बाद तो ये वाला स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही कर दिया, व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरीड ऑन इन गेज फेस ओनली फिनोल इज ऑब्टेंड, क्या बन जाता है, हमें सिर्फ फिनोल ही बन जाता है। दिस कन्फर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट गेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर ये सॉल्वेंट गेज नहीं बनता तो सीधे फिनोल कुछ देर के लिए स्टेबलाइज होता और हाइड्रोजन एवेस्ट्रिक फिनॉक्सडी रेडिकल कुछ देर के लिए स्टेबल होता, वो किसी हाइड्रोजन को एवेस्ट्रिक करके खुद फिनोल में कन्वर्ट हो जाता, बाकी सब तो गेज बन के निकल जाता है। तो फिनोल ही प्रोडक्ट बनता अगर यहाँ पे सॉल्वेंट गेज नहीं बनता। तो सॉल्वेंट गेज बनने से ही ये वाला दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो गेज फेस में जब हम करते हैं तो ये वाला सॉल्वेंट गेज तो बनेगा नहीं, ठीक है, जो ही यहाँ से टूट जाएगा ये सीधा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एस्केप हो जाएगा गेज में, क्योंकि गेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, वो दो क्लोज में तो है नहीं, ये दोनों आपस में मिलने के चांसेस कम हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है अगर सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को कैरी करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट गेज बनते हैं, लेकिन गेज फेस में सॉल्वेंट गेज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ फिनोल ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पे बन जाता है, ठीक। अब एक और रिएक्शन है जिसमें ये कहा गया है आपको फोटोफ्राइज रियरेंजमेंट ऑफ एनालाइट्स, है ना। तो सिंपली एनालाइट्स में क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या लिया, क्या लिया था, यहाँ पे एक फिनाइल एस्टर लिया था, यहाँ पे फिनाइल अमाइड लेना है बस। यानी यहाँ पहले क्या था, ऑक्सीजन था, दिस ऑक्सीजन इज रिप्लेसिड बाय किससे, नाइट्रोजन से। तो इनका फोटोफ्राइज रिअरेंजमेंट अगर हम करते हैं किसी अमाइड के, इसको हम एनालाइट फोटोफ्राइज रिअरेंजमेंट ऑफ एनालाइट कहें, ठीक है। अब सिंपली आप इसको कर सकते हैं, फिर से किस में चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, डबल है ना, एन फिनाइल अमाइड हो गया, ये एन फिनाइल अमाइड है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर इसके बाद क्या बनेगा, सॉल्वेंट केज में फिर से ये लिसिस हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, एन पे फ्री रेडिकल प्लस साथ में साइड रेडिकल, एनिलीन टाइप का रेडिकल यहाँ बनता था, वहाँ फिनॉक्सी रेडिकल बनता था। अब ये दोनों सॉल्वेंट केज में है, एक दूसरे के क्लोज में है। अगर एक निकल के ये वाला रेडिकल नाइट्रोजन जो रेडिकल है यहाँ से बाहर आ गया है सॉल्वेंट केज से, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, इतना तो आप लोगों ने अब आइडिया आया होगा, ये नाइट्रोजन रेडिकल थोड़ा स्टेबल है तो आ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये रेजोनेंस शो करता है, ये निकल क्या सकता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एबस्ट्रक्शन करेगा कहीं से भी, हाइड्रोजन यहाँ से एबस्ट्रक्शन करने के बाद क्या बनेगा, मैं इसको तो सही दिखा देता, सॉरी यहाँ पे हमने क्या है, लेकिन सॉल्वेंट केस में अगर ये क्लोज में रहते हैं तो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ अटैक करे, पॉसिबिलिटी है ये यहाँ अटैक करे, तो दोनों चीज़ें हो सकते हैं। तो हम यहाँ एनिलीन वाला फ्री रेडिकल जो यहाँ है तो दिखा, एक पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस होने, ये रेडिकल 800 पे पहुंच जाएगा, डबल वो बनेगा इलाइट, है ना। इसके बाद आपका एसाइल ग्रुप तो रेडी है, पास में बैठा हुआ है, पर तो छोड़ेगा नहीं, इस पे ही अटैक करेगा,
क्या बनेगा, के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, आ रहा गया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक है, फिर से इसका इनोल टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बन गया है यहाँ। सिमिलरली अगर ये रेजोनेट होके कहाँ पहुँच गए, अर्थो पोजीशन पे पहुँच गया, अर्थो से हेरा पे अगर पहुँच गया, यहाँ पर भी यही होगा। तो आपको पता चल गया है करना कैसे है, तो रेडिकल यहाँ पहुँच गया है ना, तो यहाँ से अगर डबल हो, सिंगलाइजेशन था, हो गया इसकी, है ना। तो आर्थो पे अमाइनो ग्रुप है एज कम्पेयर टू कीटो ग्रुप, या पेरा पे है ना। ये जो एसाइल ग्रुप है ये आर्थो पे भी चला जाता है या पेरा पे चला जाता है, अगर ये सॉल्वेंट केस में रहता है तो, ठीक है। तो आर्थो सबस्टिट्यूटेड एनिलीन और पेरा सबस्टिट्यूटेड एनिलीन यहाँ पे मिल जाता है। एसाइल ग्रुप आर्थो और पेरा पोजिशन पे चला जाता है, इसी को हम प्रोटोफ्राइज अरेंजमेंट ऑफ लाइट के, तो इस टाइप के रिएक्शन को आप इजिली कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ याद रखना, अगर ये देखो ये क्लोज में है एक दूसरे के, ये वाला यहाँ देखिए, ये वाला, ये दोनों आपस में रिएक्शन भी तो कर सकते हैं, तो उस समय स्टार्टिंग मटेरियल वापस मिल जाते हैं, इसको हमें करने की ज़रूरत। ये रेजोनेंस शो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर से अर्थो प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए हमें इसका कोई दिखाने के लिए मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।